Guys, WhatsApp is very and very big part of our technology. So this is update of WhatsApp, which is very important for you. Welcome to Technical Expertise दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट प्लस, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ प्लस, इसी के बारे में प्लस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ प्लस इसके बारे में बताने वाला हूँ. सो दोस्तों, WhatsApp और थर्ड पार्टी ऐप का क्या कनेक्शन है और इससे रिलेटेड कौन सा अपडेट अभी अभी आया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप को तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टेक्निकल ज्ञान भी मिलने वाला है. तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स गो. दोस्तों, व्हाट्सएप तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप सबसे सिंपल एप्लीकेशन मैं मानता हूँ. तो आपको भी पता है कि व्हाट्सएप कितनी सिंपल एप्लीकेशन है. ज़्यादातर जिस भी एप्लीकेशन में कुछ हाई फंक्शंस होते हैं तो वहाँ हाई लैगिंग भी होती है, तो इसी की वजह से वो एप्लीकेशन उतनी फेमस नहीं होती है इतने अच्छे फीचर्स होके भी. पर व्हाट्सएप की बात बहुत अलग है. जैसे कि हम सिस्टम ऐप्स को ओपन करते हैं बहुत झट से वो ओपन हो जाती है, उसी तरह व्हाट्सएप का भी है. ये बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है. सो दोस्तों, व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में बहुत सारे वर्जन्स आते रहते हैं. आपको पता है व्हाट्सएप के वर्जन्स बहुत ही फास्ट आते हैं. ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है. इसको बनाने में सिर्फ 5 लोगों का हाथ है और ये आज इतने आगे है. तो व्हाट्सएप बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी कंपनी है. फर्स्ट तो एक कंपनी नहीं है ये, इसका ओनर कोई अलग है. ये खास, ये इसकी मदर कंपनी जो है वो फेसबुक है. आपको हैरानी होगी ये जानकर बहुत लोगों को कि व्हाट्सएप को फेसबुक बनाता है. आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे मार्क जुकरबर्ग ही ऑन करता है व्हाट्सएप को. सो दोस्तों, व्हाट्सएप में अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे जो थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टी लोग हैं जो अपना खुद का कंटेंट यूज़ नहीं करते, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे वो प्ले स्टोर पर हो. तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये ऐप डेवलपर्स भी हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है. तो ये क्या करते हैं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते तो अपना सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिकेगा, मतलब ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करेंगे. तो इसके लिए ये क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के रिलेटेड एप्लीकेशन बना देते हैं. तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप की तरह बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, बाकी के जो ऐप स्टोर पे है जैसे कि एपीके पोर और अप टू डाउन और उसके साथ साथ एपीके मिरर. यहाँ जो है ये जो एप्लीकेशन है जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड, बहुत सारे मलेशियस एप्लीकेशन है जो बहुत सारे कोर्स होते हैं उनमें जो वायरस है, मालवेयर से, ब्लॉटवेयर से, बहुत सारे व्हाट्सएप के रिलेटेड थर्ड पार्टी व्हाट्सएप है. हाँ, वहाँ व्हाट्सएप चल जाता है. ये बेसिकली व्हाट्सएप को मॉडिफाइड करके बनाई गई एप्लीकेशन है. तो ये जो एप्लीकेशन है ये व्हाट्सएप से मॉडिफाइड करके अपना खुद का कुछ अंदर डाल के वो स्टोर पे डाल दी जाती है और आप उसको इंटरेक्ट होते हैं और वो डाउनलोड कर लेते हैं. जैसे कि आप गेम में देखते हैं GTA गेम्स में, तो आपको GTA गेम्स बहुत ही अच्छी कार बन जाएंगी, बहुत ही अच्छी लोकेशन बन जाएगी, ये आप देखते हैं और वो आप डाउनलोड कर लेते हैं. उसी तरह यहाँ व्हाट्सएप में लोगों को इंटरेक्ट किया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा व्हाट्सएप है, ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, GB व्हाट्सएप, LC, GC, OC कुछ भी व्हाट्सएप होते हैं, तो इससे दूर रहिए. क्योंकि अब व्हाट्सएप ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आपका भैया सारा का सारा डेटा बंद हो जाएगा. मतलब आपका जो आइडेंटिटी है वो व्हाट्सएप कुछ भी नहीं रहेगी, आपका जो अकाउंट है वो बैन किया जाएगा. तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप अभी ये ऐप अनइंस्टॉल करके ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप बच सकते हो. सो दोस्तों, आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि व्हाट्सएप ऑफिशियल यूज़ कीजिए, कोई थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूज़ मत कीजिए. इससे आपका भी नुकसान है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी आईडी को बैन कर दिया जाएगा. तो जो लोग अब यूज़ करते हैं ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो उनके लिए अब इसके बाद का वीडियो है. तो आपको क्या करना है, आपको आपके थर्ड पार्टी जो ऐप है उसमें ही आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको बैकअप कर लेना है. बैकअप आपने जो भी चैट्स रीडिंग, बाकी की चैट्स रीडिंग और चैट्स हिस्ट्री जो भी कुछ है आपका, उसको बैकअप कर लेना है. आपको वहाँ बैकअप का ऑप्शन वही मिल जाएगा. बैकअप करके, बैकअप हो जाने के बाद आपको अनइंस्टॉल करना है और फिर
ऑफिशियल व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके आपको जो वो बैकअप किया था वो डेटा फिर से वहाँ आ जाएगा, तो इससे आपकी हिस्ट्री पे भी कुछ असर नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से दूर रहिए। बेसिकली ये लोग कुछ भी नहीं करते, आपकी आइडेंटिटी को चुराते, आपका डेटा लीक कर सकते हैं, तो आप ऑफिशियल यूज़ करो यार, थर्ड पार्टी में कुछ नहीं रखा है। वैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मैंने भी बहुत सारी पहले मैं डाउनलोड करता था, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, इससे आपका ही अकाउंट हैक हो सकता है, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, तो ध्यान में रख लीजिए ये बातें। और दूसरी कुछ भी नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था एक एंड्रॉइड इंसाइडर का एपिसोड, ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में।